तो दोस्तों, मैंने इन सैफी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉक विद सैफी पे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप किस तरह से बहुत ही आसानी से किसी बुक का पेज या पूरी बुक, अखबार, मैगजीन या कोई भी आर्टिकल वगैरह आप यहाँ किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। अगर आपको टाइप नहीं करना है तो आप बिना टाइप करे ही आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको बोलकर ट्रांसलेट करना है तो यहाँ से आप बोलकर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, लिखकर भी ट्रांसलेट कर सकते हैं दोस्तों, और आप अपनी स्क्रीन पर अपनी उंगली या पेन द्वारा भी लिखकर ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो, सो लेट्स सी। और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। प्ले स्टोर ओपन करते हैं और यहाँ सर्च कीजिए दोस्तों गूगल ट्रांसलेट। देखिए दोस्तों, ये गूगल का ऐप है, ट्रांसलेशन में बहुत ही अच्छा ऐप है दोस्तों, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, ये मैंने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, डाउनलोड और इंस्टॉल कर रखा है, तो सीधा डायरेक्ट ऐप पर चलते हैं। ये देखिए दोस्तों, ब्लू कलर में जिस पे जी लिख रहा है, ये गूगल ट्रांसलेट का आइकॉन है ऐप की। तो इसे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद दोस्तों, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का होता है। तो दोस्तों, अगर आप टाइप करके कुछ ट्रांसलेट करना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ भी थैंक्स ही टाइप करता हूँ और सर्च करते हैं, तो देखिए थे, ये तो सभी को पता है। चलिए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूँ बिना टाइप करे आप किस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। देखिए देखिए दोस्तों, सबसे पहले हैंड राइटिंग पर चलते हैं। हैंड राइटिंग, अगर आपको टाइप करना नहीं है, अगर आपको वैसे ही लिखना है, तो देखिए यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं आप। देखिए इस तरह से भी आप इस पर चीज़ें ट्रांसलेट कर सकते हैं। सर्च कर दें, देखिए ये आ गया। अगर आप दोस्तों बोलकर ट्रांसलेट करना चाहें, अगर काफ़ी लंबी स्पीच है आपकी, तो कन्वर्जेशन पे जाके इसकी परमिशन को अलाउ करके आप यहाँ से कर सकते हैं। वॉइस में जाके भी आप जो आपको थोड़े छोटे छोटे वर्ड्स हैं वो ट्रांसलेट करने हैं, तो आप यहाँ से जाके ही बिना टाइप करे आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको जो किसी बुक का पूरा पेज है वो किस तरह से आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं एक बुक का कोई पेज ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, कैमरे को ओपन करें, जो आपको कैमरे वाला ऑप्शन है, और अलाउ कर दें। चैट पे जाके आप तुरंत ही वहाँ जो भी ट्रांसलेट करना चाहें वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं इसकी टॉर्च जला देता हूँ। ये देखिए, ये इसकी फ्लैश लाइट का ऑप्शन है, इसे क्लिक भी कर सकते हैं आप, ठीक है, काफ़ी अच्छा वो आता है। इंस्टेंट पे क्लिक करके दोस्तों आप इंस्टेंटली जो भी ट्रांसलेट करना चाहें उस पर रखें। और दोस्तों, ये ट्रांसलेट हो चुका है पूरा पेज, ठीक है। और अगर आप इंस्टेंट नहीं चाहते तो स्कैन पर आके, ठीक है दोस्तों, पेज जो आपको ट्रांसलेट करना है उस पर रखिए, और जो आपको सर्कल दिख रहा है जैसे कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं, उस तरह से फ़ोटो खींच दीजिए इसका। ये देखिए दोस्तों, स्कैन हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, सब कुछ जो है वो सेलेक्ट हो गए हैं सारे वर्ड्स। और उसके बाद सेलेक्ट ऑल करके आप जो एरो का साइन है उस पर क्लिक कीजिएगा। उस पर क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, ये इंग्लिश में है और जो इसका हिंदी ट्रांसलेशन है वो ये है। दोस्तों, इस तरह से आप बिना टाइप के हुए पूरी बुक आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, टाइप करने में आपको बहुत टाइम लग जाता है, या बिना टाइप के हुए आप पूरा पेज बहुत ही आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं, वो भी किसी भी लैंग्वेज में। देखिए, यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो भी लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जिस लैंग्वेज में आपको सेलेक्ट करना है वो लैंग्वेज, और उसके बाद कैमरा ओपन करके तो जो भी आपको ट्रांसलेट करना है उस पर क्लिक कीजिए। इसकी एक बहुत ही अच्छी बात यह है कि अगर आपके फ़ोन में कोई भी फ़ोटो पड़ा हो और किसी भी लैंग्वेज का, अगर आप उसे ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो इंपोर्ट पर क्लिक करके जिस फोल्डर में जहाँ भी वो फ़ोटो पड़ा हो उस पर क्लिक करके आप उसे भी
यहाँ ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं, और हाँ हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखें, आसपास साफ सफाई रखें। जय हिंद दोस्तों।